Hello everyone, good morning. Good morning everybody. So बच्चों आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कौन कौन से तरीके से या कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? एच के ब्लॉगर, गुड मॉर्निंग खुशी. सो बच्चों ये तो हमें पता चल गया बायोटेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से या कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करके है ना अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कौन कौन सी वो फील्ड है जहाँ पर आप इस बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करोगे. सो चलो फिर शुरू करते हैं. पीयूष, नीरज, कम ऑन. सो लिखा हुआ है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो लार्ज स्केल पर यानी कि कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने में हेल्प करती है. जब भी हम लार्ज स्केल में बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल यूज्ड और यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं लार्ज स्केल पर अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, राइट? अब देखो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं. थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम. देखो भाई, दारू बनाएंगे भाई, अल्कोहल बना रहे हैं, मतलब इथेनॉल हम बना रहे हैं, और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. इथेनॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स की ज़रूरत है, मोलेसिस की ज़रूरत है ना, और ऐसी शुगर जिस पर ईस्ट यानी कि फंगस अपना काम आसानी से कर सके. तो बेटा ये जो फंगस है, जो यीस्ट है, ये फर्मेंटेशन करता है ग्लूकोज का और प्रोड्यूस कर देता है इथेनॉल और दूसरा क्या था, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि यार यीस्ट के अंदर कोई ना कोई एंजाइम तो होगा. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, जो कि क्या करवा रहा है, जो कि शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा था किसमें, इथेनॉल में. तो बेटा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मीडियम है, जो आपने ये कंटेनर लिया है जिसको बायो रिएक्टर कहते हैं, इस कंटेनर के अंदर आपका बेस्ट कैटलिस्ट हो, वो भी ऑप्टिमम कंडीशंस में. मतलब अगर ये 4 pH पर काम करेगा तो आपको इस मीडियम में 4 pH ही मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, ठीक है बच्चों? तीसरी चीज़, जैसे ही आपके कैटलिस्ट ने अपना काम कर लिया, आपका प्रोडक्ट बन गया, तो देखो आपकी खुराक एकदम तैयार है ना. तो भैया इथेनॉल बन चुका है, ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई? देखो ये तो मैंने ऐसी इथेनॉल का एग्जांपल ले लिया, बट जनरली वी टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल्स, हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए या किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, है ना. तो बेटा आप बिना उसको टेस्ट किए, मान लो वैक्सीन बनाई, बिना उसको टेस्ट किए, केमिकल टेस्ट किए बिना आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ठीक है बच्चों? सो मस्ट रिमेंबर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक है. सॉरी बच्चों, एक वर्ड होता है बायो रेमिडिएशन. इस वर्ड का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स, उनका इस्तेमाल करना
किस चीज़ के लिए? टू क्लीन अप द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्पेशली कंटेमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, कंटेमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, इनको क्लीन करने के लिए. ठीक है, जब माइक्रोब का यूज़ करेंगे तो उस ट्रिक को, उस टेक्निक को बोलेंगे बायो रेमेडिएशन. और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर पढ़ोगे, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाता है बच्चों, दैट इज़ सुडोमोनास प्यूटिडा. किसकी हम बात कर रहे हैं? बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन. ठीक है, रेमेडिएशन. और एक बैक्टीरिया जो कि पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है, अभी अभी हमने पढ़ा सुडोमोनास. कौन सा पढ़ा बच्चों? सुडोमोनास प्यूटिडा, ये याद रखना है. ठीक है जी, चलो आगे देखिए. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. बच्चों आप लोग जानते हो कि इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, द यील्ड, है ना. तो यहाँ पर भी एग्रोकेमिकल का मतलब भी वही है, उन केमिकल्स का यूज़ करना जो कि हमारी खेती में प्रोडक्शन को बढ़ा सके. दीज आर हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे बच्चों वो आपके डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. एक तो ये तरीका हो गया अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, है ना. दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. बेटा दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. देखो इसमें किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को. जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा था बच्चों राइजोबियम. राइजोबियम वो कहाँ पर मिलता है? वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है ना, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. तो याद रखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को, जीन को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हम अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकें. ठीक है, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को हम थ्री फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला था एग्रोकेमिकल बेस्ड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, और तीसरा होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स. बेटा यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो. या गुरप्रीत, देखना पड़ेगा, चैप्टर आज ही फिनिश हो गया तो कल MCQs, अदरवाइज परसों. ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं. बच्चों जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, तो हमने फूड की सप्लाई को ट्रिपलिंग कर दिया था. काफ़ी समय, मतलब काफ़ी टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया था, मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ चुकी थी फूड की सप्लाई. इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़. बच्चों ये जो खेती, जो प्रोडक्शन बढ़ रही थी, वो क्यों बढ़ रही थी फातिमा? क्योंकि क्रॉप की वेराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी, मेनली ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के यूज़ की वजह से हो रहा था, है ना. लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं बच्चे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. साथ साथ ये यील्ड को तो इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो कि हम चाहते ही नहीं, जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमारे एनवायरनमेंट पर हो रहे थे. ठीक है, तो हमने क्या सोचा, भैया एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर को ड्रॉप करके हमें कहाँ पर शिफ्ट कर जाना चाहिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की तरह. तो ये क्या होते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एनिमल्स
जिनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है, जिनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया है बाय मैनिपुलेशन। तो याद रखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया, बट फ़ायदा क्या है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, क्या फ़ायदा है जिनके डीएनए को, जिनके जीन्स को हमने मॉडिफाइड कर लिया है। तो देख लेते हैं ज़रा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ये। कमा सबसे पहला पॉइंट, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस। बेटा देखो, पहले क्या होता था, अगर कोल्ड ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, हीट ज़्यादा हो गई, तो जो क्रॉप है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, वो डैमेज हो जाती थी, है ना। लेकिन हमने कुछ इस तरीके से उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है, इस तरीके से उनके जीन्स को बदल दिया है पीयूष, मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया है, कि अब वो ए बायोटिक स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, पहले पौधों को बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था केमिकल पेस्टिसाइड पर, है ना, क्योंकि जब तक हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को स्प्रे नहीं करते थे तो फिर हमारी खेती, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब से हमने उनके जीन्स को मैनिपुलेट किया है, अब वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, राइट। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जब हम खेती कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद भी हम किसी भी तरीके के लॉस को बचा सकते हैं। बेटा होता क्या है, नेक्स्ट, मिनरल्स को यूज़ करने की जो क्षमता है ना प्लांट्स के द्वारा, वो इंक्रीज कर दी जाती है। मान लो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, बट फिर भी प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, राइट। उससे क्या होगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है प्लांट्स को, जिस वजह से उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने जो मिनरल्स हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, पेस्ट वो होते हैं निर्मल, ऐसे इंसेक्ट या ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट जो कि क्रॉप्स को, फूड को, एनिमल्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखो बच्चा, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिले प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाकर। तो आप बताओगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस हो गया, केमिकल्स के ऊपर जो प्लांट्स की डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई, मिनरल यूसेज इंक्रीज हो गई, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई, साथ ही साथ एबायोटिक स्ट्रेस से बचाव इंक्रीज हो गया। ठीक है चलो, एक तो बेटा ये विटामिन ए वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन राइस, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ब्रासिका नेप्यूस है, ब्रासिका सरसों, है ना, तो जो ब्रासिका है उससे ऑप्टेन किया जाता है हिरुडिन को। ब्रासिका से क्या ऑप्टेन किया जाता है बच्चों, हिरुडिन। आपको याद है हिरुडिन क्या है, एंटीकोग्युलेंट, एंटीकोग्युलेंट जो खून को जमने से रोकेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, इसी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया, राइट। सो ब्रासिका नेप्यूस, इससे हमें क्या मिलता है, हिरुडिन। हिरुडिन क्या है बच्चों, एक एंटीकोग्युलेंट है। ठीक है, सो मस्ट रिमेम्बर, सीड्स ऑफ ब्रासिका नेप्यूस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, हिरुडिन। ठीक है जी, चलो एक टोमेटो के बारे में भी आप याद रखना, है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक टोमेटोज बनाए गए हैं, लगभग 1980s में बनाए गए थे। ठीक है, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो आपका जो बीटी क्रॉप्स है ना,
बिल्कुल, उसमें से एक बीटी टोमेटो के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सो जनरली वो पेस्ट रेजिस्टेंट होंगी या इंसेक्ट रेजिस्टेंट, क्या लगता है बच्चों? इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती हैं जो बीटी का यूज़ करके बनाई गई क्रॉप्स होती हैं, राइट? चले आगे बढ़ रहे हैं हम। अब ये बीटी क्या है, कुछ याद आया? 10th चैप्टर में पढ़ा था हमने, बेसिलस थुरिंजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, बेसिलस थुरिंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है? और ये बैक्टीरिया अपनी डेवलपमेंट के दौरान एक केमिकल को रिलीज़ करेगा, यानी कि एक टॉक्सिन को रिलीज़ करेगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? सो इसका मतलब बीटी के पास एक जीन है, ऐसा जीन जो कि हार्मफुल केमिकल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा जीन्स जो कि प्लांट्स को रेजिस्टेंस पहुंचाता है इंसेक्ट से, वो भी बिना किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए, है ना? तो बेटा सबसे पहले इसको हमने टोबैको के अंदर इंट्रोड्यूस किया था बीटी को, उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स हमने जनरेट करवा ली हैं। अब ये काम कैसे करता है, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है? होता ये है बच्चों, ये जो बेसिलस थुरिंजेनेसिस है, ये बैक्टीरिया अपनी रेगुलर ग्रोथ के दौरान एक केमिकल को रिलीज़ करेगा जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बच्चों बीटी के पास कुछ स्पेशलाइज्ड जीन्स होते हैं जिनको क्राई जीन्स कहा जाता है। दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट दीज इनएक्टिव केमिकल्स जिनको प्रोटॉक्सिन या इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी कहा जाता है। सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होंगे वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पर अटैक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीटी प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लैपिडोप्टेरेंस। ये ऑर्डर है बच्चों, लैपिडोप्टेरेंस, जिसके अंदर टोबैको, बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म आते हैं। दूसरा ऑर्डर है बच्चों सिलोप्टेरेंस, बीटल्स इसके अंदर आती हैं। तीसरा ऑर्डर है डायप्टेरेंस, इसमें सारे मक्खी मच्छर आते हैं, ठीक है? सो याद रखना, लैपिडोप्टेरेंस, सीलोप्टेरेंस एंड डायप्टेरेंस, ये तीन ऑर्डर्स होते हैं इंसेक्ट्स के जिसके ऊपर अटैक करने का काम बेसिलस थुरिंजेनेसिस करेगा। कैसे करेगा? वो अपने क्राई जीन्स का यूज़ करके कुछ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स को बनाएगा, और मैं बार बार इनएक्टिव बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल कर रहा? इसलिए ही किल नहीं कर रहा है क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा? वो एक्टिव कब होगा? वो इंसेक्ट के गट में जाकर एक्टिव होगा ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, क्योंकि इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच की ज़रूरत है, ठीक है बेटा? सो जैसे ही वो एल्कलाइन पीएच में पहुँचेगा इंसेक्ट के गट में, वहाँ पर जाकर वो सोल्युबलाइज हो जाएंगे सारे के सारे क्रिस्टल्स, और ये बाइंड कर जाता है इंसेक्ट के मिडगट एपिथीलियल सेल्स के साथ। किसके साथ बेटा बाइंड कर गया वो? मिडगट एपिथीलियल सेल्स के साथ, और वहाँ जाकर उसने क्रिएट कर दिए काफ़ी सारे पोर्स। धीरे 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 लाइसिस यानी कि वो ब्रेक डाउन करेंगे सेल्स को, और इवेंचुअली क्या होगा, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया यहाँ तक? किस तरीके से बेसिलस थुरिंजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, राइट? सो लुक एट दिस, बहुत सारी क्रॉप्स में जैसे कि कॉटन की क्रॉप में हमने बेसिलस थुरिंजेनेसिस को यूज़ किया है। ये डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है और टारगेट पेस्ट कौन सा है ना? क्यों? क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। कैसे होते हैं बच्चों? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना?
इनके पास एक जीन है जिसको क्राई जीन कहते हैं। यहाँ पर क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, ये दोनों जीन्स मिलकर कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करेंगे, और क्राई वन ए बी कंट्रोल करेगा कौन? बॉरर को। क्राई वन ए बी कंट्रोल करेगा कौन? बॉरर को। ठीक है बेटा, तो ये जीन्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यस रॉबर्ट, बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं आज। चले आगे बढ़ते हैं, पहले एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे अलग अलग फील्ड में, जैसे कि सबसे पहली फील्ड हमने पढ़ी एग्रीकल्चर, बेटा दूसरी फील्ड हम पढ़ेंगे मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है, देन हम जीन थेरेपी को भी उसमें बात करेंगे, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बायो रेमेडिएशन बताया, जिसमें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूडोमोनास प्यूटिडा, राइट। फिर हमने देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जब भी हम ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को ऑल्टर कर देंगे, बदल देंगे बाय मैनिपुलेशन, तो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट बेसिलस थुरिंजेनेसिस, यानी कि बीटी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बीटी तो आपको याद ही होगा, ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। एक बार हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे बच्चों, लुक एट दिस, ये पूरी बर्बाद कर दी है इंसेक्ट्स ने, और ये बिल्कुल बढ़िया फुली मैच्योर कॉटन बॉल। ठीक है, चलो बेटा, एक नेमाटोड है, एक पेस्ट है जिसका नाम है मिलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या नाम है? मिलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ये एक नेमाटोड है, ये एक पैरासाइट है जो कि बेटा रूट्स को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? रूट्स को। किसकी रूट्स को? टोबैको प्लांट्स की रूट्स को। बच्चों ये जो नेमाटोड है मिलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, ये किस पर अटैक करेगा? ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स पर अटैक करेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होती है टोबैको की, उसको बहुत ही डिक्रीज यानी कि रिड्यूस कर देता है, राइट। सो हमने इसको ख़त्म करने के लिए, इससे टोबैको के प्लांट्स को बचाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया, विच इज़ नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बच्चों उसको? आरएनए इंटरफेरेंस। और ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल्युलर डिफेंस का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आरएनए आई यानी कि इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस। ठीक है बच्चों, इस मेथड के अंदर हम करते क्या है? स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग कर देंगे। कैसे? एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंट्रोड्यूस करके। बेटा हमेशा याद रखना, जब आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन, तो हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन में भी कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही स्ट्रैंड आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए में बदल जाएगा, राइट। ऐसा इसलिए हो रहा था, अगर डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स एक समय पर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो बेटा क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना, तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग कर देगा, है ना। तो हमने सोचा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का मैसेंजर आरएनए है, मैं क्या करूँगी? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूँगी, ठीक है। लेकिन बेटा सोर्स क्या होगा? आएगा कहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए? तो देखो, या तो हम वो किसी वायरस से लेते हैं, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, या फिर दूसरा एग्जांपल है बच्चों, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्या एग्जांपल है बच्चों? मोबाइल जेनेटिक
एलिमेंट्स जिनको ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है, यानी कि जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स बेटा, ये जो जंपिंग जीन्स हैं ये ऐसे डीएनए की सीक्वेंस हैं जो एक लोकेशन से जीनोम की दूसरी लोकेशन तक मूव कर जाते हैं। तो याद रखना, जंपिंग जीन्स का यूज़ करके हम अपने डिज़ायरेबल सीक्वेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। सो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसपोजोन्स यानी कि जंपिंग जीन को डिस्कवर किया था। उनका नाम था बारबेरा मैकलिनटॉक, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी नाम है, ट्रांसपोजोन्स को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, मैकलिनटॉक। चलिए, सो ट्रांसपोजोन्स या फिर वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, है ना, हम इनको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, आरएनए के सोर्स की तरह, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कहाँ से आएगा, या तो वो वायरस से आएगा जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, या फिर दूसरा चीज़ ट्रांसपोजोन से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब हम एक वेक्टर का यूज़ करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम, जिसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। मान लो यहाँ से हमने आरएनए ले लिया, ठीक है ना। अब हमने किया क्या, एग्रोबैक्टीरियम जो कि एक वेक्टर है, इसका यूज़ करके होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया ऐसा डीएनए जो दो तरीके के आरएनए की सीक्वेंस को बनाएगा होस्ट के अंदर जाके। कैसे आरएनए की सीक्वेंस बच्चों, सेंस और एंटीसेंस। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बच्चों, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, कैसे, मैसेंजर आरएनए को साइलेंस करके, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, इस नेमाटोड के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस करने के लिए हमने बाहर से एक ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया एग्रोबैक्टीरियम की मदद से, वो डीएनए जो कि सेंस और एंटीसेंस आरएनए को बनाता है। और जैसे ही ये सेंस और एंटीसेंस, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो बच्चों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेमाटोड के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देगा, ठीक है जी। आया बच्चों समझ, बेटा सबको समझ आ गया, क्या कहते हो, वेरी गुड वेरी गुड। चले, सो ये हमने देखा मैसेंजर आरएनए के बारे में कि किस तरीके से उसको हमने साइलेंस कर दिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज करके। एज अ रिजल्ट ये जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए जिन केमिकल्स की, जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत थी, वो बना ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने अपने प्लांट को बचा लिया, यानी कि रेजिस्टेंट बना लिया, किससे, नेमाटोड से, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, कम ऑन। जल्दी से पूछो, हाँ जी बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में हमने देख लिया, अब हम मेडिसिन में इसकी क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो बच्चों, मेडिसिंस, मैंने इंसुलिन का एग्जांपल आप लोगों को बताया था, है ना। तो वो इंसुलिन के बारे में पहले आप मुझे बताओगे, हमारी बॉडी का कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जल्दी से बताओ।
कम ऑन, देखिए जरा किसमें कितना है दम। वेरी गुड वेरी गुड। सो पेनक्रियाज जो कि एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो क्योंकि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है, वही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। सो एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम दिया था। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुई है मेडिसिनल पर्पस में कि हमने यहाँ पर सेफ एंड इफेक्टिव थेरापॉटिक ड्रग्स को बना लिया है इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, है ना। तो पहले क्या होता था कि या अनवांटेड केमिकल्स बॉडी में आ जाते थे, या फिर आप कह सकते हो नॉन ह्यूमन जो सोर्सेज हैं वहाँ से जब हम केमिकल्स को लेते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। बट एट प्रेजेंट हमने यहाँ पर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापॉटिक्स बना ली हैं ह्यूमन यूज़ के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और सिर्फ इंडिया में देखा जाए तो 12 ऐसी हैं विच आर बी मार्केटेड, ठीक है बच्चों। सो याद रखिएगा देर आर वेरियस ड्रग्स और केमिकल्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड बाई यूजिंग द टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कशिश, सबसे पहला तो आप इंसुलिन की बात कर लो जिसको ह्यूमुलिन का नाम दिया गया था। ये सबसे पहली ऐसी मेडिसिन है या केमिकल है जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस होती है ना। सो बेटा उन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत है रेगुलर इंटरवल पे, क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, सेल में मतलब जैसे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन का काम क्या है, वो सेल्स को बोलेगा चलो जल्दी से ब्लड में से शुगर को ले जाओ, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना या फिर मेंटेन रखना इंसुलिन का काम है, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या किया जाता था, पहले नॉन ह्यूमन सोर्स से कैटल कैटल स्लॉटर कैटल से पिग से इंसुलिन निकाल के डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता था, है ना। लेकिन बच्चों काफ़ी ज़्यादा एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑब्जर्व किए जाने लगे लोगों के अंदर इस बाहर से नॉन ह्यूमन सोर्स से मिलने वाले इंसुलिन की वजह से, है ना। इंसुलिन क्या है, वो एक पेप्टाइड हार्मोन है बच्चों। जिस समय इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है उसके पास 3 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। कौन कौन सी चेन्स होती हैं, ए बी सी। जिस समय इंसुलिन की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन चलती है उस समय 3 पेप्टाइड की चेन्स होती हैं बच्चों, ए बी सी, राइट। लेकिन धीरे धीरे जैसी ही मैच्यूरेशन होगी सो द रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड विल अकर, ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगी और ये जो ए और बी पेप्टाइड्स हैं जो कि डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, है ना, ये दोनों मैच्योर इंसुलिन कहलाएंगी। तो याद रखना जब भी इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड जुड़ी हुई होती है तो उसको प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन कहा जाता है, ठीक है। बट जैसे ही मैच्योरेशन चलेगी तो फुल्ली मैच्योर में क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे फंक्शनल हार्मोन। पहले क्या नाम दिया था, प्रो हार्मोन, लेकिन मैच्योर होने के बाद हमने क्या नाम दिया, फंक्शनल हार्मोन। क्लियर है बच्चों। चल सो यहाँ पर सी पेप्टाइड के रिमूवल होते ही वो मैच्योर हो चुका है और फंक्शनल इंसुलिन में बदल गया। ये जो टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, इसका यूज़ करके हमने 1983 में, हमने मतलब एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया मतलब मेडिसिन बनाई और इसको नाम रखा था बच्चों ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन, तो आपसे पूछेंगे भैया रिकॉम्बिनेंट कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके,
ये जो आपने इंसुलिन बनाया था कौन सी टेक्निक? भैया हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना? किसने बनाया? एली लिली कंपनी ने। कब बनाया? 1983 में। बेटा कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने वो जो इंसुलिन बनाने वाले जीन्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में, और ऐसा ऑब्जर्व किया कि भैया जब हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उसके जीन्स को डाला तो ई कोलाई बैक्टीरिया में दो पेप्टाइड चेन्स बनी, ए और बी, लेकिन ये दोनों सेपरेट बनी थी, ठीक है? दीज टू चेन्स वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। जब बैक्टीरिया में से उसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब बाहर निकाला, तो हमने आर्टिफिशियली खुद से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए थे उनका यूज़ करके उनको जोड़ दिया, ठीक है बच्चों? एज अ रिजल्ट मैच्योर इंसुलिन हमारे पास बन गया, ठीक है बेटा? पूछो यहाँ तक कोई डाउट किसी को लग रहा है तो कम ऑन बच्चों, यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार ये जीन थेरेपी भी समझा देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? चलो देखो बच्चों, आजकल आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी हेल्प करने के लिए बोलते हैं लोगों को। ये बोला जाता है कि भाई ये एक बच्चा है, ये एक बहुत ही जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हेल्प करें, ठीक है ना? सो बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर या जीन जीन डिसऑर्डर ये क्या है? देखो, बर्थ से ही अगर कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक व्यक्ति किसी तरीके की हेरिडिटरी डिजीज़ के साथ पैदा हुआ हो, है ना, तो उन हेरिडिटरी डिजीज़ को या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए एक टेक्निक बनाई है बच्चों, जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बिन डायग्नोज इन अ चाइल्ड या एम्ब्रियो। बेटा ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, ऐसा क्यों लिखा है कि ये जीन थेरेपी ऐसे मेथड्स का ग्रुप है जो कि जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर करेगा, बच्चों में मिलने वाले या एम्ब्रियो में मिलने वाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़ों में अगर वो डिफेक्ट है तो वो तो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता, है ना? यस, लेकिन कुछ हद तक। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा बेटा, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसको ये डिसऑर्डर है अगर वो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो ये जो जीन्स है उसके सभी बॉडी के सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ होती है तो इसी तरीके से होती है, सारे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो प्रेजेंट होता है ना? तो यहाँ पर इस तरीके की बीमारियों को बेटा अगर क्योर करना है कम्प्लीटली, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस डिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है? चलो तो एक बार देखो किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहली जो जीन थेरेपी थी वो 1990 में 4 साल की एक लड़की को दी गई। क्यों? क्योंकि उस लड़की के अंदर ADA डिफिशेंसी थी बच्चों, एडीनोसाइन डीएमआईनेस। ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन करता है, और अगर किसी में ये एंजाइम गायब होगा तो भैया क्या होगा फिर? जेनेटिक डिसऑर्डर, ADA डिफिशेंसी, है ना? क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन था उसकी डिलीशन हो गई, इसलिए इस लड़की को ये बीमारी थी, ठीक है? तो किस किस तरीके से क्योर कर सकते हैं बच्चों उसको? पहला तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, मतलब उस पेशेंट के अंदर
किसी हेल्दी इंडिविजुअल का बोन मैरो डाल दिया जाए ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद, तो शायद इसके अंदर न्यू सेल्स जो बनेंगे उसमें ADA प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें हम क्या करते हैं, इस थेरेपी के अंदर हम ADA फंक्शनल ADA एंजाइम को पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट बच्चों, क्लियर हो गया? लेकिन ये दोनों ही ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे ये बीमारी कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना जीन थेरेपी की तरफ बढ़ा जाए। तो जीन थेरेपी में हमने क्या किया बच्चों, मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, हमने पेशेंट से लिम्फोसाइट्स ले लिए। हमने पेशेंट से क्या ले लिए बच्चों, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये पेशेंट है, राइट, ये इसकी दो चोटी है। तो भाई साहब पेशेंट से हमने लिम्फोसाइट निकाले, एक कल्चर में उन लिम्फोसाइट्स को रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने उस लिम्फोसाइट्स को ग्रो करवाया, राइट। फिर हमने एक रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके इन लिम्फोसाइट्स के अंदर बच्चों ADA यानी कि एडीनोसाइन डीअमाइनेज बनाने वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। किसका यूज़ करके बच्चों, वेक्टर क्या था यहाँ पर, रिट्रोवायरस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिट्रोवायरस का यूज़ करके पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स में क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ADA बनाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और जैसे ही आपने वो DNA लिम्फोसाइट्स के अंदर डाला, अब ये लिम्फोसाइट्स वापस पेशेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये लिम्फोसाइट्स पेशेंट्स के अंदर जाकर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ADA को। ठीक है ना, बट बेटा ये सेल्स इमॉर्टल तो है नहीं कि भैया अमर हो गए, ऐसा तो नहीं होता, है ना भाई, ऐसा तो नहीं होता, इमॉर्टल तो नहीं है ये। तो अगर जीन थेरेपी ये वाली इस्तेमाल करनी भी है भाई साहब, टाइम टू टाइम पीरियोडिक इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर लिया गया तो बेटा इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। ये क्या कहला सकता है, ये एक परमानेंट क्योर कहलाया जा सकता है। लेकिन कब, सिर्फ तभी जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूज़ करेंगे जीन थेरेपी को। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट होगा, प्रोबेबली कल ही हो सकता है टेस्ट। चैप्टर ख़त्म करवा के कल ही टेस्ट ले लेंगे, है ना बच्चों, सही रहेगा ना? तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, कल मिलते हैं फिर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एंड मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है बच्चों आफ्टर स्कूल, जहाँ पर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।